अरे यम मित्रों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक वीडियो के में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बना रहे हैं श्री हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, पहले तो बेस बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और उसे गोल करके चपटा करके कुछ इस प्रकार से बेस बना लेंगे। बेस बना देने के बाद दोस्तों और थोड़ा सा मिट्टी ले करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से लंबा कॉयल बना लेंगे। उसी का दोस्तों कुछ इस प्रकार से पैर बना लेंगे। दोस्तों, पतला पतला कॉयल बनाए हैं, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर देंगे। पैर के जो मसल्स होते हैं उसी को बना देंगे कुछ इस प्रकार से, थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करके। तो दोस्तों, इसी प्रकार से बनाते जाएंगे, बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों, इसी प्रकार से और एक पैर को भी बना लेंगे। इसी प्रकार से ही दोस्तों, और इसी तरह ही दोस्तों दोनों पैरों को बना देने के बाद अभी पेट को बनाने के लिए और थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और उसी का दोस्तों कुछ इस प्रकार से गोल, मतलब थोड़ा लंबा करके गोल की तरह बना लेंगे। तो इसी प्रकार से थोड़ा बहुत तो स्ट्रक्चर बना लेंगे पहले तो, और कुछ इस प्रकार से वहाँ पे घुटने टेक करके बैठा होगा, कुछ इस प्रकार का हनुमान जी बनाना सीख रहे हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से बना देंगे, थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करके ज्वाइंट कर देंगे दोस्तों पैरों के साथ। पेट और पैरों को ज्वाइंट कर देने के बाद दोस्तों अभी धोती को बना देंगे। धोती को बनाने के लिए दोस्तों पतला पतला स्लेब की तरह बना लेंगे और उसी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से वहाँ पे धोती के स्ट्रक्चर की तरह बना लेंगे थोड़ा बहुत। और फिर उसी को दोस्तों छोटा सा कॉयल बना लेंगे पतला सा, और उसी को दोस्तों कमर बंधन बना लेंगे। दोस्तों, धोती का होल्ड होने देने के लिए हमने टूल का यूज किया है, कुछ इस प्रकार से लॉकर की तरह बना लेंगे और उसी को पर जो कि कमर बंधन बनाए थे उसी को थोड़ा बहुत टूल की मदद से डिजाइन कर लेंगे सिंपल सा। और बीच में जो बेल्ट होता है उसी के थोड़ा बहुत डिजाइन भी बना लेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से सिंपल सा डिजाइन दोस्तों टूल की मदद से बना लेंगे। इसी प्रकार से बना देने के बाद ऊपर में धोती में भी थोड़ा बहुत डिजाइन कर लेंगे और इसी को दोस्तों पानी की मदद से वहाँ पे फिनिशिंग कर देंगे कुछ इस टाइप से। और पैर का उंगलियाँ भी बना लेंगे दोस्तों। दोस्तों, इतना बना देने के बाद अभी बॉडी का सिक्स पैक ये सब बनाएंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से, थोड़ा थोड़ा मिट्टी दे करके दोस्तों कुछ इस टाइप से बना लेंगे सिक्स अप को बनाने के लिए। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद टूल की मदद से उसी को दोस्तों वहाँ पे मिलाने के थोड़ा बहुत मिला देंगे बॉडी के साथ, और ऊपर में पानी के साथ फिनिशिंग कर देंगे बाद में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर की तरह। तो पहले बना देंगे सबको बॉडी के, मैं जहाँ जहाँ पर मिट्टी ऐड कर रहा हूँ दोस्तों वहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करते जाएंगे और बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, बाद में वहाँ पे फिनिशिंग भी कर देंगे दोस्तों पानी की मदद से। वही बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही बना देंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों फिनिशिंग कर देंगे ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। बॉडी का आधा पार्ट तो बना चुके हैं दोस्तों, अभी बाकी रह गया दोनों हाथ और फेस बाकी रह गया है। तो दोस्तों उन्हीं को पहले तो हाथ को बना लेते हैं दोस्तों। पैर की तरह ही दोस्तों कॉयल बना करके कुछ इस प्रकार से बैंड करके हाथों को भी बना लेंगे। और दोस्तों आप लोग थोड़ा मोटा बनाना, मैंने पतला बना दिया था तो इसलिए वहाँ पर मिट्टी ऐड करना पड़ा। आप लोग मसल्स बनाते हो तो दोस्तों ज़रूर वहाँ पे मिट्टी ऐड कीजिएगा और थोड़ा बहुत मसल्स भी बना लेंगे, तभी ये हनुमान जी अच्छा दिख सके। तो इसी प्रकार से दोस्तों दोनों हाथ को बना लेंगे, मैंने वैसे एक हाथ को बना करके दिखाए हैं, इसी प्रकार से दो हाथ बना लेंगे दोस्तों। वीडियो का यहाँ तक देख रहे थे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसी प्रकार की मूर्ति मेकिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों, और आगे इसी मूर्ति को कलर और डेकोरेट भी करने वाले हैं, तो बने रहने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों और भी बहुत सारे मूर्ति बनाने वाले हैं इसी चैनल में, मतलब बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से दो हाथ को बना देंगे और उसी को दोस्तों जैसे एक हाथ को ज्वाइंट किए थे उसी प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे दूसरे हाथ को भी बना करके।
दोस्तों दोनों हाथों को बना देने के बाद और जॉइंट कर देने के बाद अभी दोस्तों गेना को बना देंगे पतला सा कॉइल बना करके कुछ इस प्रकार से, और इसी प्रकार से दोस्तों ज्वेलरी को बना देंगे, गले का हार बना लेंगे दोस्तों। बस एक ही बनाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो हनुमान जी का सिक्स सब कुछ नहीं दिखेगा, तो इसलिए हमने एक ही बनाए हैं। इतना बना देने के बाद अभी पेस्ट बनाएंगे दोस्तों। पेस्ट बनाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और गोल की तरह गोल शेप में, तो पहले तो मुकुट बना लेते हैं दोस्तों, वरना मुकुट बाद में बनाएंगे तो कान नाक बनाए होंगे वो डैमेज हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है, तो इसलिए पहले मुकुट को बना लेंगे फिर बाद में कान नाक को बना देंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों पहले तो मुकुट सिंपल सा ही रखेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाएंगे, एकदम छोटा सा मुकुट बनाएंगे, बस सिंपल सा ही, जिससे तो दो तरफ छोटा छोटा कॉइल बना करके कुछ इस टाइप से बना देंगे, और बीच में बड़ा सा जो कि डायमंड की तरह बना लेंगे और उसी को बीच में चिपका देंगे। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद आँख बनाने के जगह पर दोस्तों थोड़ा बहुत फ्रेश कर देंगे हाथी की मदद से या टूल की मदद से। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद नाक के जगहों पे थोड़ा ऊंचा कर लेंगे और इसी प्रकार से धीरे धीरे बनाते जाएंगे जैसे हनुमान जी की फेस होता है। दोस्तों फेस को बना देने के बाद कुछ इस प्रकार से पीछे की साइड थोड़ा सा मिट्टी देंगे, क्योंकि चपटा हो गया था तो इसलिए हमने पीछे की साइड में थोड़ा सा मिट्टी दे करके दोस्तों फेस को थोड़ा बहुत मोटा करके दोस्तों वहाँ पे गले के साथ जॉइंट कर दिए हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों साइड साइड बाल वो भी बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों बाल को देंगे तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बाल का सपोर्ट बन जाएगा फेस के साथ, तो इसलिए बाल को भी बना लेंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों बना देने के बाद वहाँ पे बाल को फिनिशिंग भी कर लेंगे ब्रश की मदद से कुछ इस टाइप से। दोस्तों हनुमान जी तो पूरा कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, बस पूछ और गदा बाकी है। पूछ को तो कलर पेंट करने के समय पे बनाएंगे, गदा को दोस्तों गोल शेप में मिट्टी कर देंगे और थोड़ा सा सिंपल सा डिजाइन और पेन खत्म हुए रिपील को यूज कर देंगे। तो इसी प्रकार से गदा बना देने के बाद हमारा मूर्ति जो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, और आई होप कि आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और ये देखिए तो फाइनल लुक।